देखिए आप वेलनेस है और यहाँ पे बहुत सारी शिकारा राइड्स खड़ी है जिनका चार्जेस बहुत ही आपको जिस हिसाब से घूमना है उससे मिल जाएगा। और बहुत सारी हाउस बोट है, इन्हीं से हम एक रुके हुए हैं। कम से कम 1200 हाउस बोट अवेलेबल है। हेलो आप देख सकते हो क्या शानदार बर्फीले रोड है और बहुत ही अच्छा मौसम है। देखिए यहाँ कम से कम मेरा पांव घुस जाए, इतनी और इतनी सॉफ्ट स्नो है, इतनी सॉफ्ट स्नो है कि आप हाथ लगाएंगे तो इनके मार भी सकती हो। गेट नंबर 7 से हमारी हाउस बोट की कार हमें अवेलेबल हुई, फिर वहाँ से हम श्रीनगर घूमने गए। पूरा स्विट्जरलैंड बना हुआ। अच्छा ऐसा ही मौसम है। आपके हाउस बोट का नाम क्या है? रॉयल लॉज। फ्रेंड्स जिस हम रॉयल बोट में ठहरे हैं वो बहुत ही अच्छा हाउस बोट है, रॉयल लॉज बहुत ही अच्छा हाउस बोट है और बहुत ही फैमिली ट्रीट है। फ्रेंड्स श्रीनगर में हमने सबसे पहले देखा तो व्यू पॉइंट देखा, वहाँ से आप डल लेक के व्यू पॉइंट देख सकते हैं। वहाँ पे दो नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, सामने जमी हुई बर्फ़ के पूरे डल लेक जमी हुई है और आप सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऊंचे ऊंचे पेड़ जो बर्फ़ में ढके हुए हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं। दोनों व्यू आप इस पॉइंट पे आके देख सकते हैं। फिर हम वहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पर घूमने गए, वो पार्क हमने देखा बहुत ही खूबसूरत था जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। वहाँ पे आप स्ट्रीट फूड खाना खा सकते हैं बहुत कम प्राइस में। तो आज हम आ गए हैं मकई पार्क में और यहाँ पे बहुत सारे बाहर स्ट्रीट फूड है, चिकन, नॉनवेज, जो नॉनवेज खाना पसंद करते नॉनवेज के लिए है, और बहुत शानदार और लो कॉस्ट पे आपको बहुत अच्छा यहाँ पे स्नैक्स मिल जाएगा। तो आइए हम अब इस पार्क को आपको दिखाते हैं। हर जगह यहाँ बर्फ ही बर्फ है। ये रेस्टोरेंट था पर अभी लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुका है, यहाँ अभी चल नहीं रहा है। आप यहाँ आराम से घूम सकते हैं, देखिए कितनी बर्फ है, पूरी गिर रही हूँ। ये श्रीनगर में ही है, मेरे पैर दब गए अंदर। आप बर्फ देख सकते हैं कितना इंच, ये तो कम से कम श्रीनगर से बाहर नहीं, 4 इंच बर्फ पड़ी है तो काफी अच्छी है। और ये पार्क काफी खूबसूरत है और यहाँ पे आप स्ट्रीट फूड पे भी कर सकते हैं। आप 20 रुपीज से शुरू है, आपको कुछ भी बहुत ही टेस्टी टेस्टी मिलता है। यहाँ पे लबादा भी एक नाम की डिश है तो आप उसे खा सकते हैं। क्या है? लबासा बहुत ही अच्छी चीज है, तो आप सब खाना एक बार, यहाँ पे विजिट जरूर करना। इस जगह का नाम है क्या है इस जगह का नाम? मकई पार्क के है। ये एक रेस्टोरेंट है मकई पार्क, इसके बाहर आप देख सकते हैं ये डेल लेक के बिल्कुल सामने है। यहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगी, सभी तरीके की आप खाना खा सकते हैं। कुछ देर हमने वहाँ पे एंजॉय करा और हमारे फोटोज पिक्स और वीडियोस बनाए, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस। फिर वहाँ से हमने कुछ देर नाश्ता किया, नाश्ता बहुत ही टेस्टी था। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप है, स्टॉल है जहाँ से आप कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट जर्नी पे गए मुगल गार्डन, वहाँ से आपको आगे बताएंगे। 24 रुपए का टिकट लगा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये हम मुगल गार्डन में आए हैं। हम अंदर जाते हैं, चलो। ये हमारा मुगल गार्डन का एंट्रेंस है, हम अंदर जाके आपको पूरा गार्डन घुमाएंगे। ये जिसे कि आप जानते हैं मुगलों शाहजहां ने बनाया था और इसकी पूरी बायोग्राफी बोर्ड पे लगी हुई है, तो आप आराम से देख सकते हैं। प्लीज आप यहाँ आए, जरूर विजिट करें। सिर्फ 24 रुपीज का यहाँ टिकट है पर पर्सन। आइए, ये टिकट वहाँ पे मिलता है, आप वहाँ टिकट काउंटर पे जाके इजीली टिकट बाय कर सकते हैं। इसको आप पूरा रीड कर सकते हैं, ये किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया। सर्दी में आएंगे, ये सामने लेक है डेल लेक और यहीं पे मुगल गार्डन के सामने आप देख सकते हैं, ये बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ आप गर्मी में आएंगे, समर में आएंगे तो यहाँ पे ये इसका पूरा का पूरा बर्फ नहीं दिखेगी, उस वक्त आपको दिखेगी नॉर्मल सी वादियाँ
ये बर्फ बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो आप विंटर में आते हैं तो बर्फ दिखेगी, विंटर में नहीं आती है तो यहाँ पे गार्डन जो बहुत ही खूबसूरत मुगल गार्डन बनाया था वो